लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर ईवीएम वीवीपैट कमीशन की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई है। बता दें कि नैनीताल जिले की रामनगर विधानसभा को छोड़कर अन्य 5 विधानसभाओं के लिए जाने वाली ईवीएम मशीन में काम शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि कड़ी सुरक्षा और वीडियोग्राफी के बीच कमीशन का काम शुरू किया जा रहा है। इसके तहत चुनाव प्रेक्षक ने निर्वाचन कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए और इन दिशा निर्देशों के अनुसार 85 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के घर घर जाकर मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आज से नैनीताल जनपद में जो हमारी 5 विधानसभाएं जो लोकसभा सीट में आती हैं उसमें घर घर जाकर के दिव्यांग और 85 वर्ष से अधिक आयु के जो मतदाता हैं उनका मतदान की प्रक्रिया आज से प्रारंभ कर ली गई है। इसमें लाल कुआं, भीमताल, काला डूंगी, रामनगर को छोड़ के बाकी सारी विधानसभाएं हैं। और दूसरा एक जो महत्वपूर्ण कार्य है वो ईवीएम कमीशनिंग का है, जिसमें बैलेट लगाया जाना, उम्मीदवारों को नाम सेट करना, मॉक पोल कराना, उनको सील कराना, वो प्रक्रिया जिसे हम ईवीएम कमीशनिंग कहते हैं वह प्रक्रिया भी आज से प्रारंभ हो गई है। और संपूर्ण प्रक्रिया की, चाहे वो पोस्टल बैलेट की हो चाहे ईवीएम कमीशनिंग की हो, पूरी जानकारी सभी राजनीतिक दलों के साथ, सभी प्रत्याशियों के साथ शेयर कर दी गई है। और जल्द ही जो ईवीएम कमीशनिंग है उसका कार्य भी वीडियोग्राफी में कराया जा रहा है और उसको जल्दी पूरा भी किया जाएगा।